नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार और आज का टॉपिक है अपना विराट की सभ्यता। विराट की सभ्यता के बारे में बात करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के शुरू करते हैं विराट की सभ्यता। विराट की सभ्यता मूल रूप से राजस्थान में जयपुर जिले में स्थित बाण गंगा नदी के किनारे स्थित मानी जाती है। और ये बाण गंगा नदी के चारों ओर फैली पहाड़ियां भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, बीजक डूंगरी, और गणेश डूंगरी, इन चारों पहाड़ियों पर इसका विस्तार माना जाता है। दोस्तों आगे बात करें, विराट की सभ्यता मूल रूप से पाषाण काल का स्थल थी, परंतु यहां से महाभारत काल, मौर्य कालीन और मुगल कालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इतिहासकार सी ए हैकर के अनुसार मानव की बसावट सर्वप्रथम इसी सभ्यता से मानी जाती है। तो इतिहासकार सी ए हैकर क्या कहते हैं कि राजस्थान मानव की बसावट सर्वप्रथम किस सभ्यता से मानी जाती है, तो विराट की सभ्यता से मानी जाती है। दोस्तों आगे बात करें, विराट की सभ्यता से 1872 को विराट की सभ्यता से 1872 और एक 1837 को 1872 और 1837 को अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। मौर्य कालीन राजा अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 1872 में कैप्टन क्लाइव द्वारा एक शिलालेख खोजा गया। 1837 में एक भाबरू शिलालेख, अशोक का भाबरू शिलालेख खोजा गया, जो कि ये बताता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उनके अनुसार, भाबरू शिलालेख के अनुसार अशोक मगध का राजा है और उसने बुद्ध बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि राजा अशोक क्या थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इस प्रकार से विराट की सभ्यता से अशोक के दो शिलालेख प्राप्त हुए, एक 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया था। तो दोस्तों ये कैप्टन बर्ट द्वारा बाबरू शिलालेख खोजा गया 1837 को। इसके अनुसार ये पता चलता है कि राजा अशोक मगध का शासक है और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का बुद्ध संघ का लेख मिलता है। यह इसकी लिपि प्राकृत भाषा थी, प्राकृत थी। और बाबरू शिलालेख के बाद एक 1800 कैप्टन क्लाइव द्वारा खोजा गया है दोस्तों। और ये बाबरू शिलालेख वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विराट से अशोक के दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो ये था, आगे बात करते हैं विराट की सभ्यता में कि 7वीं सदी में एक चीनी यात्री ह्वेनसांग जो भारत में यात्रा करने आया था 7वीं सदी में, उसी समय इन्होंने ह्वेनसांग ने 7वीं सदी में विराट की भी यात्रा की थी और विराट को परिपात्र नाम से कहा था और विराट के बारे में कहा था कि यह स्वर्ण नगरी है। तो
सातवीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत में यात्रा करने आया था। उसी समय इन्होंने बेराट में भी यात्रा की थी और उन्होंने बेराट को परिमात्र या परियात्र कहा है। इन्होंने बेराट को स्वर्ण नगरी भी कहा है दोस्तों। और इन्हीं के समय इनकी यात्रा के समय 8 अशोक के बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं दोस्तों। आठ बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं। इतिहासकार दयाराम साहनी इन्होंने कहा है कि बेराट एक हूण शासक मीरकुल ने बेराट पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था और आक्रमण करके बेराट को उजाड़ दिया था। और हूण एक क्या था, सेव धर्म का अनुयायी था, इसलिए इन्होंने बाड़ोली चित्तौड़ में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं। बेराट की सभ्यता में एक मुगल काल के अकबर ने एक टकसाल लगवाई। इस टकसाल से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और इस 36 मुद्राओं में 8 आहत और 28 इंडो ग्रीक शासकों की मानी जाती हैं। इन 28 में से भी 22 मुद्राएं इंडो शासक मिनाल्डर की मानी जाती है दोस्तों। तो ये था बेराट की सभ्यता।